मातृभाषा। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अत्यंत विद्वान व्यक्ति आकर बोला, राजन सुना है आपके दरबार में एक से एक विद्वान है। राजा ने प्रसन्नता से सहमति व्यक्त की। तब राजन, क्या कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? अपनी बात कहकर उस विद्वान ने धारा प्रवाह, पहले कन्नड़, फिर तामिल और तेलुगु में धर्म उपदेश देना आरंभ किया और अंत में मराठी और कोंकणी भी बोला। प्रत्येक भाषा पर उसका अगत रूप से अधिकार था। ऐसा लगता था कि जो बोल रहा है वही उसकी मातृभाषा है। अपने उद्गार समाप्त कर उस विद्वान ने राजा से कहा, महाराज बताइए मेरी मातृभाषा क्या है, आपका कोई भी दरबारी बताए। सब मौन रह गए। अनेक भाषाओं पर उसका अधिकार देखकर राजा कृष्णदेव राय के साथ साथ सभी दरबारी चकित थे। कोई निर्णय न कर पाया कि सामने खड़े विद्वान की क्या मातृभाषा है। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दरबार में सन्नाटा खिंच गया। अंततः राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम आशय समझ गया, अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। बोला, श्रीमान इतने महान विद्वान का हमारे दरबार में स्वागत है। हमारा अहोभाग्य इनके दर्शन हुए। कृपा इन्हें सम्मान सहित राजकीय अतिथि गृह में ठहराए। हम कुछ दिन संगत कर इनकी वाणी द्वारा धर्म का अमृत ग्रहण करें, तब मैं आपको बता दूंगा कि इनकी मातृभाषा क्या है। राजा ने तेनालीराम की बात मानकर विद्वान को राजकीय अतिथि गृह में सहसम्मान ठहराया। एक दो दिन तेनालीराम उसकी सेवा में गया, चरण स्पर्श कर उनसे धर्म प्रवचन सुने और संतुष्ट होकर लौटा। विद्वान भी प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि कोई भी नहीं जान सकता कि उसकी मातृभाषा क्या है। तीसरे दिन तेनालीराम उन विद्वान के समीप आया। वो उद्यान में टहल रहे थे। तेनालीराम ने उनसे शिक्षा की प्रार्थना की। वो विद्वान एक वृक्ष के चबूतरे पर बैठ गए, तेनालीराम को आशीर्वाद दिया। तेनालीराम ने उनके चरण स्पर्श किए पर साथ ही उनके पैरों में बगनखा मार दिया। विद्वान सहसा झटपटा उठे, वो वार बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने दर्द से कहरा कर तामिल भाषा में भगवान और माँ को याद किया। तेनालीराम भी घबराहट का नाटक कर बोले, क्या हुआ श्रीमान, मेरे पैर में दर्द और झटपटाहट से बीच वो तामिल बोल रहा था। तेनालीराम ने तत्काल अपना उत्तरीय फाड़कर उनके पैरों में बांधा और सेवक को सूचना दी। सेवक दौड़ा गया, उसने राजा कृष्णदेव राय को बतलाया। वो तत्काल वैद्य लेकर आ गए। तेनालीराम ने वार करने के उपरांत वगनखा तत्काल अपने उत्तरीय में छिपा लिया था। नाटक उसने पर्याप्त बुद्धिमानी के साथ किया था। वैद्य के उपचार से पीड़ा कम हो गई। राजा हैरान थे कि कैसे अचानक उनके पैरों में घाव हो गया। संतावना और उपचार के बाद वे लौट गए। अगले दिन दरबार में विद्वान ने मुस्कुराकर कहा, राजन आज चौथा दिन है, मेरा प्रश्न अनुत्तरित है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठकर खड़ा हो गया, तामिल में बोला, महाराज यही मेरा उत्तर है, इनकी मातृभाषा तामिल है। विद्वान चकित रह गया। आश्चर्य से तेनालीराम की ओर देखकर पूछा कि कैसे पता लगा। तब तेनालीराम बोला, श्रीमान संकट में मनुष्य केवल अपनी माँ और मातृभाषा याद करता है। आपको चोट लगते ही मातृभाषा फूट पड़ी, तो क्या वो वार तुमने किया था? हाँ श्रीमान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम धन्य हो तेनालीराम, तुम्हारी विद्वता की कहानियां युगों युगों तक चलेंगी। राजा ने भी तेनालीराम को पुरस्कृत किया।